आपका स्वागत है। और आज हम बनाएंगे लहसुनी पालक, इसे हम पालक की सब्जी भी कह सकते हैं। पालक तो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होती है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है, और इसे हम बहुत आसान तरीके से बनाएंगे। तो ये हमने लिया है आधा किलो पालक, मैंने इसके पत्तों को तोड़ लिया है, इसे धो करके साफ करके रख लिया है। इसकी मोटी जो डंठल होती है उसे मैंने निकाल दिया है, बस इसका जो मुलायम पार्ट है उसे मैंने छोड़ा है। रवास्कर की इंग्लिश रेसिपी को सब्सक्राइब करें और वीडियो की तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। तो चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमने एक कढ़ाई में पानी रख दिया है, 3 से 4 ग्लास हमने इसके अंदर पानी डाला है, और इस पालक को इसमें हम ब्लांच करेंगे। तो पानी अच्छी तरीके से हमारा गर्म हो गया है, आप देख सकते हैं इसमें से धुआं निकलने लगा है। तो सारी पालक को इसके अंदर हम डाल देंगे। आंच को हमें तेज ही रखना है क्योंकि हमें ज्यादा देर इसे नहीं पकाना है, बस हल्का सा 2 मिनट तक हमें इसे ब्लांच करना है। इसे दबा देते हैं पानी में। इससे क्या होता है, इसका जो हरापन होता है इसमें बरकरार रहता है, हटता नहीं है, और सब्जी हमारी देखने में भी अच्छी लगती है और खाने में भी टेस्टी लगती है। इसे 2 मिनट तक हम उबालेंगे। तो पालक हमारी सॉफ्ट हो चुकी है, आप देख सकते हैं, हमें इसे पकाना नहीं है, बस इसे हम निकाल लेंगे और गैस को बंद कर देंगे। तो इधर मैंने पानी ले लिया है 2 से 3 ग्लास, और इसके अंदर हमने आइस क्यूब डाल दिया है जिससे पानी बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, और इसे हम निकालेंगे और पानी के अंदर डाल देंगे, जिससे इसकी जो कुकिंग प्रोसेस है हमें बिल्कुल रोक देनी है, नहीं तो क्या होगा, पालक का कलर जो है डार्क हो जाएगा। इसे हम ठंडे पानी में डालेंगे तो इसकी कुकिंग प्रोसेस रुक जाएगी और बिल्कुल ये ग्रीन बनी रहेगी, बिल्कुल हरी पत्तियां बनी रहेंगी। तो इसे हम ठंडे पानी में डाल लेते हैं। तो पालक हमारी बिल्कुल ठंडी हो चुकी है, तो हम क्या करेंगे, इसका पानी हम निकाल देंगे। तो पालक को एक हम छन्नी में रख लेंगे जिससे इसका जो पानी है वो निकल जाए। तो पालक से पानी निकल चुका है, तो हम क्या करेंगे, इसे हम चॉपिंग बोर्ड पर रख लेंगे। तो हम क्या करेंगे, पालक को हम बीच से कट कर लेंगे और इसका आधा भाग जो है इसे हम पीस कर इसका पेस्ट बना लेंगे, और आधा भाग जो है उसे हम छोटे छोटे टुकड़े में काट लेंगे। तो इसे हम पीस लेते हैं, इसे मिक्सर जार में डालेंगे। तो हमने आधी पालक को पीस लिया है, इसकी मैंने प्यूरी बना ली है, और जो हमारे पास ये आधी पालक है इसे हम छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। तो पालक को मैंने चॉप कर लिया है। तो चलिए हम इसकी सब्जी बनाना शुरू करते हैं। तो सब्जी बनाने के लिए हमने कढ़ाई को गैस पर रख दिया है, गैस हमने ऑन कर दिया है। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे तेल। तो हमने 2 चम्मच सरसों का तेल लिया है, आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। तो धुआं उठने तक पहले इसे हम गर्म करेंगे। तो तेल हमारा अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है, आप देख सकते हैं इसमें से धुआं उठना शुरू हो गया है, क्योंकि अगर हम सरसों का तेल डालते हैं तो उसे गर्म होना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो सरसों के तेल की जो स्मेल आती है, कच्ची स्मेल आती है, तो खाने में अच्छी नहीं लगती है। तो हमने इसे अच्छी तरीके से गर्म कर लिया है। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे तड़का। हमने 1/2 चम्मच खड़ा जीरा लिया है, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 2 लौंग और 1 तेज पत्ता, ये सारी चीजें इसके अंदर हम डाल देंगे। इसे हल्का सा भून लेंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 प्याज, मैंने इसे छोटे टुकड़े में काट लिया है, आप चाहे तो इसको पीस कर इसका पेस्ट भी बना सकते हैं। 1 टुकड़ा अदरक का, 1 हरी मिर्च, 7 से 8 कलियां लहसुन का मैंने कूट लिया है, इसे भी डाल लेते हैं। इसे हल्का सा ब्राउन होने तक हम भून लेंगे। तो चलिए अब हम इसके अंदर कुछ सूखे मसाले डाल देते हैं, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर। मसाला आप कम या ज्यादा कर सकते हैं अपने पसंद के अनुसार, हमने बहुत ज्यादा मसाला इसके अंदर नहीं डाला है, इसे हल्का सा भून लेते हैं। आंच को हमने धीमा रखा है, और अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 टमाटर, मैंने पीस कर इसकी प्यूरी बना ली है, आप छोटा छोटा काट कर भी डाल सकते हैं, इसे भी मिला लेते हैं। इसे हम 2 मिनट तक मीडियम आंच पर भूनेंगे। तो मसाला हमारा भून चुका है, आप देख सकते हैं मसाला और तेल अलग होना शुरू हो गया है, और मसाले से हमारे अच्छी खुशबू आने लगी है। तो अब हम इसके अंदर एक चीज और डालेंगे, इसमें डालेंगे 1 चम्मच बेसन। इससे क्या होगा, जो सब्जी हमारी बनेगी पालक की, उसका जो पानी अलग हो जाता है उसका पानी अलग नहीं होगा, और सब्जी हमारी गाढ़ी बनेगी। ज्यादा हमें डालने की जरूरत नहीं है बेसन, सिर्फ 1 चम्मच डालेंगे,
अगर आप ज्यादा सब्जी बना रहे हैं तो आप ज्यादा बेसन ले सकते हैं। तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे ये पालक जिसे मैंने काट करके रखा है, और इसके साथ ही हम नमक डाल देंगे इसके अंदर। तो नमक में स्वाद अनुसार लेना है, हमने आधा चम्मच नमक लिया है, हमने सेंधा नमक लिया है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, हमें सेंधा नमक ही खाना चाहिए, जो व्रत वाला नमक होता है वही मैंने डाला है। तो इसके साथ ही इसमें इसे हम भून लेंगे, इससे क्या होगा ये पालक हमारा जल्दी से गल जाएगा और इसके अंदर से जो पानी है वो भी निकलने लगेगा। तो इसे हम 2 मिनट तक भून लेते हैं। तो पालक हमारी भून चुकी है, मैंने 2 मिनट तक इसे मीडियम आंच पर भून लिया है। तो अब हम इसके अंदर ये पालक डालेंगे जिसे मैंने पीस करके रखा है, बिल्कुल लाइट कलर है इसका क्योंकि मैंने इसे हल्का सा ब्लांच कर लिया था, इससे इसका बहुत अच्छा कलर आ जाता है। इसे मिला लेते हैं और हम क्या करेंगे, जिसके अंदर मैंने पालक को पीसा था उसमें छोटी कटोरी हमारे पास है, कम से कम 4 से 5 चम्मच पानी इसमें आता है, इसके अंदर हम डालेंगे और इसे अच्छी तरीके से हिला लेंगे और सब्जी के अंदर डाल देंगे, इसे मिला लेते हैं। अगर आपको ज्यादा पतला बनाना है तो आप और पानी डाल सकते हैं, लेकिन पालक की सब्जी बहुत ज्यादा पतली नहीं अच्छी लगती है, ये थोड़ी सी गाढ़ी अच्छी लगती है। तो इसे हम 2 मिनट तक पका लेंगे। तो पालक को मैंने 2 से 3 मिनट तक पका लिया है और आप देख सकते हैं पालक की सब्जी हमारी बिल्कुल बनकर तैयार हो गई है, क्योंकि सारी चीजें मैंने पहले से पका रखी है तो इसे ज्यादा देर पकाने की जरूरत नहीं है। और आप देख सकते हैं मैंने इसके अंदर जो बेसन डाला था इसकी वजह से पालक से पानी बिल्कुल जो अलग हो जाता है वो अलग नहीं हो रहा है, और सब्जी हमारी बिल्कुल लटपटी आपस में मिक्स है, बिल्कुल अलग नहीं है। नहीं तो क्या होता है, हम पालक की सब्जी बनाते हैं तो पालक का पानी जो है अलग हो जाता है, सब्जी अलग रहती है। तो आप देख सकते हैं इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और ये सब्जी खाने में बहुत टेस्टी लगती है, बिल्कुल लसीली हो जाती है। तो चलिए अब गैस को बंद कर देते हैं और इसे हम बाउल में निकालते हैं। तो पालक की सब्जी तो हमारी बनकर तैयार हो गई है। तो इसके अंदर हम लगाएंगे तड़का, क्योंकि हम लहसुनी पालक बना रहे हैं तो इसके अंदर तड़का लगाना बहुत जरूरी है, तभी ये टेस्टी बनेगा। तो हमने गैस पर तड़का पैन रख दिया है और इसके अंदर हम डालेंगे 1 चम्मच घी, आप चाहे तो तेल भी डाल सकते हैं, इसे गर्म होने देंगे। और अब हम इसके अंदर डालेंगे लहसुन, तो हमने 8 से 10 कलियां लहसुन छोटे टुकड़े में काट लिया है, तो इसे हम घी के अंदर डाल देंगे, इसे हल्का सा ब्राउन करेंगे। लहसुन के अंदर हम डाल देंगे 3 से 4 पीस हींग और इसके अंदर डालेंगे 1/2 चम्मच सफेद तिल, अगर आपको पसंद है तो ही डालिएगा वरना इसे स्किप कर सकते हैं। तो सारी चीजों को मिला देते हैं, हल्का सा ब्राउन कर लेंगे। और अब इसके अंदर डालेंगे 2 लाल मिर्च, खड़ी लाल मिर्च इसके अंदर हमने डाल दिया है, इसे भी मिला देंगे, हल्की सी भून जाएगी तो इसका स्वाद बहुत ही अच्छा लगता है खाने में, इसे मिला देते हैं। तो ये तड़का हमारा तैयार हो गया है। तो चलिए इसे हम पालक के अंदर डाल देते हैं, ऊपर से हम तड़का डाल देंगे, ये सब्जी हमारी बहुत टेस्टी बनेगी, लहसुनी पालक इसे हम कहते हैं क्योंकि इसके अंदर लहसुन ज्यादा मात्रा में होता है, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसे अपने मन पसंद पराठे, रोटी या फिर चावल के साथ खा सकते हैं। तो हमारी बहुत ही टेस्टी पालक की सब्जी लहसुनी पालक बनकर तैयार हो गई है, आप इसका टेस्चर देख सकते हैं, बिल्कुल आपस में चिपकी हुई है और इसका पानी अलग नहीं है, सब्जी अलग नहीं है, बिल्कुल आपस में मिक्स है, ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो इस तरीके से आप लहसुनी पालक बनाइए, खाइए और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपकी लहसुनी पालक की सब्जी कैसी बनी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।